उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में जीएसआई ने लगभग 3000 टन के गोल्ड के माइंस खोज निकाले हैं। एस्टिमेट्स के अनुसार ये गोल्ड माइंस 12 लाख करोड़ रुपए तक के हो सकते हैं। ऐसे में हम बस ये शुक्र ही मना सकते हैं कि ये खजाना सही हाथों में लगा है और हमें भरोसा है कि मोदी सरकार इसे देश की भलाई के लिए ही इस्तेमाल करेंगी। काश पिछली सरकारें भी इतनी ही ईमानदार होती तो आज हमारा देश कहां से कहां पहुंच गया होता। 1976 की बात है जब भारत में इमरजेंसी पीक पे थी। कहा जाता है कि ऐसा ही एक करोड़ों का खजाना जनता की नजरों के सामने से लूटा गया था। उस समय देश की प्रधानमंत्री थी श्री इंदिरा गांधी जी। कहते हैं इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान जयपुर के जयगढ़ किले पर रेड की और सेना को खजाने की खोज के लिए 3 महीने तक लगा दिया। गायत्री देवी, जो उस समय जयपुर के रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को 3 बार हराया था और जिन्होंने 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए इमरजेंसी पर कड़ा एतराज जताया था, उन्हें भी जबरदस्ती जेल में बंद कर दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि इसके बाद इंदिरा गांधी ने आईटी डिपार्टमेंट की रेड बताकर जयगढ़ किले को लूटा। खोज के अंत में इंदिरा गांधी ने कहा कि उनके हाथ कोई बड़ा खजाना नहीं लगा, पर फिर भी दिल्ली जयपुर हाईवे को 1 दिन के लिए बंद करवा दिया गया था और सेना के ट्रक दिल्ली भेज दिए गए थे। ये भी कहा जाता है कि खुद संजय गांधी उस समय जयपुर जा पहुंचे। यहाँ तक कि पाकिस्तान भी अपना हिस्सा मांगने सामने आया और 11 अगस्त 1976 को पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकर अली भुट्टो ने चिट्ठी लिख पाकिस्तान का हिस्सा क्लेम किया। ये अभी भी बहस का विषय है कि इंदिरा गांधी के हाथ वो सोना लगा या नहीं, लेकिन हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर।